हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अब दिल्ली में स्विमिंग पूल, जिम, नाइट क्लब, स्पा भी 31 मार्च तक बंद, 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो सकेंगे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि यदि दिल्ली में संक्रमण का प्रसार तेजी से होता है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि 50 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा न हो, यह अनुमति नहीं है। शादी को एक्सक्लूड किया जाए, हो सके तो शादी की डेट को पोस्टपोन कर दें। सोमवार को जिम, नाइट क्लब, स्पा को भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर दिए गए हैं। इससे पहले स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया था। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि 500 से अधिक बेड के हॉस्पिटल में इससे निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। यस बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर। इस बुधवार से शुरू हो जाएंगी सारी बैंकिंग सेवाएं। जी हां दोस्तों, संकट से जूझ रहे यस बैंक को पटरी पर लाने के लिए लागू हुए नए प्लान के बाद अब यस बैंक खाताधारकों के लिए एक राहत की खबर है। बैंक ने कल ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि खाताधारकों के ऊपर से बैंक ने सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। यानी कि दोस्तों 18 मार्च शाम 6 बजे के बाद ग्राहक अपने खाते से सामान्य लेनदेन कर सकेंगे। खाताधारक बैंक की सभी 1132 शाखाओं से लेनदेन कर सकेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 मार्च 2020 को शाम 6 बजे से RBI द्वारा यस बैंक डिपॉजिटर्स के विड्रॉल लिमिट 50,000 रुपए तय कर दिए गए थे। इसके बाद से ही यस बैंक का कोई भी ग्राहक किसी भी माध्यम से न तो पैसे ट्रांसफर कर पा रहा था और न ही ATM से कैश निकाल पा रहा था। लेकिन दोस्तों यस बैंक ग्राहकों को सहूलियत देते हुए अब बुधवार से यह सारे नियम हटा लिए जाएंगे। इसके बाद से आप कितने भी पैसे निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बैंक घोटाले पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार से सवाल। अनुराग ठाकुर बोले, कुछ लोग अपने पाप दूसरों पर मरना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैंक घोटालों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। सदन की कार्यवाही के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से बैंक लूटने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने केंद्र से पूछा, देश में 50 बड़े बैंक डिफॉल्टर कौन है? पीएम मोदी उनके नाम बताए। उन्होंने बैंक लूटने का काम किया है, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही करे। राहुल गांधी ने सवाल किया कि पीएम कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है तो उनको वापस लाऊंगा। पीएम मोदी से 50 नाम पूछे, अभी तक जवाब नहीं मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता नारे लगाते रहे, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। राहुल गांधी के सवाल पूछने के बाद से हंगामा चल रहा है। दोस्तों स्लोगन के साथ ही यह कह रहे हैं कि नाम बताओ, नाम बताओ। दोस्तों बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के द्वारा सवाल पूछे जाने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर जान लीजिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों की अब खैर नहीं, योगी सरकार के ऑर्डिनेंस को गवर्नर ने दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कथित CAA दंगाइयों के पोस्टर हटाए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 लेकर आई है। इस ऑर्डिनेंस को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिल गई है और अब यह ऑर्डिनेंस अगले 6 महीने के लिए कानून बन चुका है। योगी सरकार को इसे स्थायी रूप से लागू करने के लिए अब विधानसभा और विधान परिषद से रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल 2020 पास कराना होगा। योगी सरकार को यह कानून इसलिए लाना पड़ा है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा था कि लखनऊ में कथित CAA दंगाइयों के पोस्टर किस नियम के तहत लगाए गए हैं। हाईकोर्ट ने लखनऊ के चौराहों से पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। इस फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार से पूछा कि किस नियम के तहत लखनऊ में कथित CAA दंगाइयों के पोस्टर लगाए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी, कल हो सकती है सुनवाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच सोमवार को विधानसभा में राज्यपाल लालजी टंडन का अभिभाषण हुआ। इसके तुरंत बाद विधानसभा 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में कमलनाथ सरकार को अल्पमत में बताते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। पूर्व
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दायर इस याचिका में अगले 48 घंटों के भीतर मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। SBI कार्ड IPO इशू प्राइस से नीचे खुला शेयर, 661 रुपए पर हुआ लिस्ट। जी हां दोस्तों, सोमवार को SBI कार्ड्स का IPO स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया। SBI कार्ड का IPO 12% की गिरावट के साथ 661 रुपए पर लिस्ट हुआ। हालांकि IPO का बेस प्राइस 750 से 755 रुपए था। मार्केट के हालात को देखते हुए निवेशकों को इसके नीचे ही खुलने की उम्मीद थी। दोस्तों निवेशकों को SBI कार्ड के IPO से निराशा ही हाथ लगी है। इसका IPO 2 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। 5 मार्च तक इसे सब्सक्राइब करने का समय दिया गया था। निवेशकों को इस IPO से बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि इसे भारतीय मार्केट का इस साल का सबसे बड़ा IPO माना जा रहा था। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। आम आदमी को जल्द मिल सकता है बड़ा फायदा, कम होगी आपके लोन की EMI। जी हां दोस्तों, दुनिया में फैली महामारी के खौफ का माहौल है जिसके कारण पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में USA फेडरल रिजर्व बैंक ने बेंचमार्क ब्याज दर को 1% से 1.25% था उसे घटाकर 0.25% कर दिया है। RBI फेडरल रिजर्व के ग्लोबल स्वैप लाइन फैसिलिटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वित्तीय बाजार में फ्रीजिंग जैसी स्थिति से निपटने के लिए उभरते देशों के केंद्रीय बैंक के साथ सहयोग करने के लिए वह दरों में कटौती कर सकता है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 19 मार्च से शुरू हो रही है फ्लिपकार्ट बिग शॉपिंग डे सेल, इन स्मार्टफोन पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर बिग शॉपिंग डे सेल 19 मार्च 2020 से शुरू हो रही है। दोस्तों यह सेल 22 मार्च तक चलेगी, तो इस सेल में आप अच्छा स्मार्टफोन कम दाम में खरीद सकते हैं। दोस्तों इस सेल के अंदर आपको रियलमी, शाओमी, वीवो, सैमसंग, आईफोन के स्मार्टफोन 10% तक की छूट पर मिल सकते हैं। दोस्तों बात करें रियलमी 5 प्रो की, तो यह सेल में 11,999 रुपए की शुरुआती कीमत में खरीदने को मिल जाएगा आपको। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग S9 आप 21,999 रुपए में खरीद सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीवो Z1X की बात करें तो इस फोन को आप 13,999 रुपए में खरीद सकते हैं। एप्पल का आईफोन XX को आप 52,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इस पर दोस्तों आपको पूरे 35,000 रुपए की छूट मिल रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। आज से बदल जाएंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े रूल्स, RBI बंद कर रहा है कई बैंकिंग सर्विसेज। जी हां दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस और को और आसान तथा पहले से अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दोनों कार्ड को इशू रीइशू करने के नए नियम जारी कर दिए हैं। दोस्तों इन नियमों के अनुसार जिन लोगों के पास अभी कार्ड है उन्हें तय करना होगा कि वे अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्ड के ट्रांजैक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं, यानी अगर आप चाहते हैं तो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर इन सुविधाओं को डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 16 मार्च 2020 तक ऑनलाइन या कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो यह सुविधा बंद हो जाएगी। इस सुविधा को जारी रखने के लिए जरूरी है कि हर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 16 मार्च से कम एक बार ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन कर लिया जाए। इसको लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वहीं दोस्तों बैंकों को कार्ड धारकों को POS, ATM, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट में डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल दोनों के लिए ही बदलाव करने की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही बैंकों को कार्ड को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की सुविधा भी देनी होगी। यानी कि दोस्तों इतनी सारे कई सारे बदलाव आज से होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 4 विधायकों ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र द्विवेदी चारों का इस्तीफा स्वीकार भी कर चुके हैं। कांग्रेस के जिन 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनके नाम है मंगल गावित, JV काकड़िया, शोभा भाई पटेल, प्रद्युमन जाड़ेजा हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, BJP द्वारा गुजरात राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारे जाने के साथ कांग्रेस की धड़कनें अब बढ़ गई है। कांग्रेस को डर है कि कहीं उसके विधायक भाजपा के पाले में न चले जाएं, इसलिए उसने अपने सभी विधायकों को राजस्थान भेज दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली
मिली बड़ी खबर का। निर्भया के इस चारों दोषियों के परिजनों का इमोशनल पैतरा, राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी और की मांग। जी हां दोस्तों, निर्भया केस में चारों दोषियों के परिजनों की ओर से एक नया पैतरा चला गया है। दरअसल दोस्तों, अब चारों दोषियों के परिजनों ने राष्ट्रपति से अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। कुल 13 लोगों ने राष्ट्रपति से ये मांग की है। इसमें मुकेश के परिवार के 2, पवन विनय के 4 और अक्षय के परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। हालांकि दोस्तों, कानूनन चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है और कानून में ऐसी इच्छा मृत्यु का प्रावधान भी नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी किया है। दोषियों को अब 20 मार्च को फांसी की सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और इस तरह की काफी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।